नाउ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है और यहाँ से ये बोला गया है कि 125 से कितनी संख्याएं हैं जो कि डिविजिबल है। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर को लिख लेते हैं 5 3 7 x y/5, और ये हमको बोला गया है कि 25 से डिविजिबल है और कितनी संख्याएं जो है मतलब कि वो 25 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर करना क्या है कि एक्स और वाई यहाँ पर दिया गया है और 25 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, सॉरी 125 है, 125 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है कि अंतिम का जो लास्ट 3 डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 5 3 7 को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं कि एक्स वाई और 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हम मान के चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकती है और वाई की वैल्यू 2 हो सकती है और ये 5 तो है ही। तो 125 एक संख्या है, अगर हम यहाँ पर रखें तो ये एक बार में डिविजिबल हो गया, यानी कि एक यहाँ पर एक हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर 2 रखेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर हम 2 रखेंगे 125 125 इंटू अगर हम 2 करते हैं 2 करते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी कि 0 यूनिट डिजिट हमारे पर 0 आ रहा है, जबकि यूनिट डिजिट हमको लाना क्या है, 5 लाना है। तो 2 तो हम रख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 रख के देखते हैं, अगर हम 3 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 3 2 6 और 7 और 3 3 2 6 1 7 और 3, यानी कि 375 आ जाएगा। तो एक तो हमारी संख्या होगी हो जाएगी 125, दूसरा 375। अब यहाँ से हम 4 को नहीं रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 0 नहीं है 5 है। तो हम यहाँ पर 4 नहीं रख सकते हैं, 5 को रख सकते हैं। अगर हम 5 से हम यहाँ पर रखेंगे तो 5 5 25, 5 2 9 10 2 12 और 5 1 6, 625 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 6 नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे 7। 7 को जब रखेंगे 7 5 6 35, 7 2 9 14 1 15, 7 2 9 14 और 3 17 और 7 1 8, यानी कि 875। अब देखिए 9 रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 5 6 45, 9 3 18 4 22, 9 2 11, यहाँ पर आ गया 4 डिजिट, 1125 आएगा। हमको क्या लाना है, हमको 2 3 डिजिट ही लाना है लास्ट का। यहाँ पर हमको कितना डिजिट लाना है, लास्ट का हमको 3 डिजिट लाना है, लेकिन आ रहा है कितना, 4 डिजिट, तो 9 तो यहाँ पर हो नहीं सकता है। तो ये जो संख्या है यही पॉसिबल वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये जो संख्या है इतनी, यानी कि 4 जो संख्या है जो कि 125 से डिविजिबल हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।